हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 22 फरवरी 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले एनटीपीसी में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी में आज के दिन हमें 3.19% का एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 173.25 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं वनडे के चार्ट में, वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा ज्यादा हमें जरूर वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल एक मीडियम टू लार्ज साइज की बनी, ऊपर के साइड में छोटी सी विक हमें देखने मिल रही है। बात अगर मैं करूँ आरएसआई की, 64-65 के आसपास हमारा आरएसआई आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर नेगेटिव मोमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। अब रही बात मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मोमेंट का, नेगेटिव साइड का, यानी कि हमें जो है एक मोमेंटम देखने मिलने वाला है स्टॉक में। स्टॉक में अपसाइड मूव जो हमें 175.3 के आसपास आते हुए देखने मिलने वाला, वहां से फिर तुरंत ही स्टॉक गिरते हुए देखने वाला। स्टॉक सबसे पहले गिरेगा अराउंड 173.6 के आसपास, अगर उसको भी क्रॉस कर देगा तो स्टॉक में डाउनसाइड जो वो 170.6 के आसपास आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्टॉक में ट्रेंड जो है वो यहाँ पे थोड़ी सी अभी भी नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे परसों तक यानी कि जो है थर्सडे तक जो है हमें जरूर स्टॉक में ट्रेंड जो पॉजिटिव होते हुए देखने मिलने वाली, तो जरूर जब चीज को ध्यान में रखते हुए चले। बाकी यहाँ पे जो है आपको क्या लगता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो थर्सडे के दिन जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक ट्रेंड को पॉजिटिव होना। तो यहाँ पे थर्सडे के बाद यानी कि फ्राइडे से आप जो है यहाँ पे जरूर मैं रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करें, क्योंकि वहां पे आपका फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका फ्राइडे से जो है आपके फेवर में हो जाएगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करें तो 167.8 के आसपास जो है स्टॉक वापस से आए, तो जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अभी भी बाइंग करनी है तो स्टॉक में करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं तो कहूंगा स्टॉक को आप आराम से गिरने दें। स्टॉक कभी भी आपको 161 के आसपास आते हुए देखने में जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, लेकिन आपको अपना 100% कैपिटल जो इस लेवल पर नहीं डालना, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर रहे हो। इस लेवल पे आपको 20-25% तक का जो अपना यहाँ पे जो कैपिटल का जो है यहाँ पे अमाउंट जो है डालना है। बाकी का यहाँ पे जो आप होल्ड करके रखे अपना कैपिटल, और यहाँ पे जब भी 10-20% का एडिशनल डाउनफॉल देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना यहाँ पे एवरेज बाइंग प्राइस को जो कम करने में लॉन्ग टर्म के लिए। जितना लॉन्ग टर्म के लिए आपका एवरेज बाइंग प्राइस जो कम होगा उतना ही बड़ी आपको जो प्रॉफिट देखने मिलेगा लॉन्ग टर्म में। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बनार के चार्ट में बात करते हैं यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है कल के दिन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जरूर जो मार्क करके रख देता हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जब सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो मार्किंग्स कर ले। तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी की अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी मार्किंग जो कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा सा मैं जूम कर ले ताकि हमें इंपॉर्टेंट डेटा जो कल के लिए रहने वाला है वो हमें क्लियरली देखने मिले। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अब इसके क्लोजिंग की, 173.35 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 173.05 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 173.70 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है
तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, ज़रूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया। तो ज़रूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिंग की, तो मेरे ओपिंग करने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रीजन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रीजन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 172.55 का, उसके बाद आता है 171.80 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 174.25 का, उसके बाद आता है 175.05 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं, जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो है यहाँ ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपन स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव क्लोजिंग है एक्सपेक्टेड है। 172.55 से लेकर 173.05 के रेंज में हमें क्लोजिंग जो देखने मिले। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।